सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज हम दोबारा से जो है सिंपल सा बैनर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट हम यूज़ नहीं करने वाले, सिंपल सा बताएंगे, सिंपल ढंग से जो है बैनर डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से साइड में, एंड इसमें जो है स्मार्ट फिल टूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने सर्कल लिया है इसको छोटा कर देंगे, एंड इसको जो है आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इसकी जो कॉपी कर लेंगे, सेंटर में लाएंगे। उसके बाद इसको जो है ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ, एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर से बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक और कॉपी कर लेंगे। ओके, नाउ ये कॉपी हो गई है। इसके बाद इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर देते हैं, ठीक है, एंड इसको जो है बड़ा करेंगे थोड़ा सा। ओके, इस तरीके से। नाउ अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो अब जो है इतना कि फिर से इसमें जो हम वही करेंगे, स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे। तो जो सेंटर वाले जो हमारा पहला वाला सर्कल है, छोटा वाला जो सर्कल है, उसमें जो हम पावर क्लिक करें, सॉरी एक इसकी जो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसको जो है अंदर यहाँ पे, इसके बाद इसके जो कॉपी कर लेंगे एक और, ठीक है, इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद शेप टूल लेंगे, इसको रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेंगे, फिर रेक्टेंगल में इसकी शेप को पहले करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसको जो है इसके शेप में चेंजेस करेंगे, अपने तरीके से चेंजेस कर लीजिए। नाउ इसको जो है इसकी अब एक और कॉपी करनी है, तो सेंटर में लाइए, इसको जो है ड्रैग कीजिए बाहर की तरफ और उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। नाउ उसको कलर हटा दीजिए एंड स्मार्ट फिल टूल लीजिए और यहाँ सेंटर में इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट एंड इसको भी, अभी रुको, स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे, आगे वाले में स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे, पीछे वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अभी इतना हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, ओके, नाउ अब जो इसमें जो है हमें जो हमने लिखा है वो तो हमें यहाँ पे रखना है, ये बाद की बात है। अब इस फोटो को जो है अंदर पावर क्लिक कर लेंगे, सॉरी जो छोटा वाला बॉक्स है इसको जो है पहले फिल करते हैं स्मार्ट फिल टूल से। ओके, नाउ अब जो इसमें जो हम फिल करेंगे, इसको पावर क्लिक कर देते हैं पहले, तो इसको पावर क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। ओके, नाउ यहाँ पे जो कलर फिल करते हैं अभी, तो आप वाइट कर लीजिए, ठीक है, एंड इसमें जो है फिलहाल के लिए ब्लू कर दीजिए जो आपको अच्छा लगे अभी, तो उसको कंट्रोल पेज डाउन कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ना अभी जो है ये हो गया इतना, इसके आउटलाइन हटा दीजिए एंड इस पर भी अभी फिलहाल के लिए ब्लू करते हैं। ओके, जो कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए अभी। ओके, ना इतना हो गया, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इतना हो गया इसको जो है, अभी हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारे सर्कल आ रखा बाहर वाला, जिस पर भी ब्लू कलर हमने कर रखा, जो इतना ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट को जो है लेफ्ट हैंड साइड को जो है हमें क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल यूज़ करना है, इसको जो है अलग कर देना है, यानी कि वहाँ पे जो हम कलर फिल करेंगे वो अलग कलर वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना, और आगे वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो कैसे करना है, यहाँ पे जो है अभी तक स्मार्ट फिल टूल पूरा यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम जो है ये ब्लू वाला जो हमारा जो एरिया है, ये सबसे डाउन में सर्कल है हमारा ये, यानी कि, तो अभी देखिए हमें कंप्लीट उतना सही से नहीं आ रहा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, ओके, नाउ जो बाहर वाला पोर्शन है इसको जो है कलर इसका फील जो हटा देंगे हम, ठीक है, आउटलाइन वाइट कर देंगे एंड इसका कलर जो हटा देंगे, तो इसका कलर जो भी हम हटा देते हैं, आउटलाइन वाइट रखने के बाद जो इसको जो है, सॉरी, ओके, इसको जो है कंट्रोल पेज अप करेंगे एंड इसके इसका कलर को जो है, अब इसका कलर फिर हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें जो आउटलाइन वाइट है, अब इसको जो है स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे बाहर पे, तो जहाँ तक आउटलाइन है वहीं तक जो है फील होगा, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको जो है डिलीट कर देते हैं पहले। ओके, तो इतना जो इसमें स्मार्ट फिल टूल यूज़ हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं एंड अब जो यहाँ पे हम फील करेंगे ऑरेंज, वो सॉरी ग्रीन कलर, ठीक है, ये देखिए अब आधा में फील हो गया है, इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ गई है। तो अब जो यहाँ पे जो है इसमें जो है ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो डार्क, ओके, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, इसको जो है एलिप्स शेप में लेने के बाद इसको ऊपर जो है लास्ट के कॉर्नर में से टच करेंगे ताकि इसकी शेड आ सके, ठीक है। यही कलर नीचे कलर कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है, नीचे से ड्रैग कर लीजिए, कलर यहाँ पे डाल दीजिए
एंड सेम इसको वही करना जैसे हमने इस वाले में भी किया था, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, इसको हल्का सा अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए, जो ग्रीन वाला पार्ट उसको हल्का सा एक मतलब 3D जैसा इफेक्ट इसमें यूज़ कीजिए। तो अभी यहाँ पे सेम कलर यूज़ कर लेते हैं एंड इसको जो पावर क्लिक कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके एडिट में जाएंगे, पावर क्लिप के एडिट में जाएंगे एंड इसके पावर क्लिप को सॉरी अभी इस ऑब्जेक्ट को जो है हमें एडिट करना है, यानी थोड़ा सा इसमें जो है चेंजेस करना है। आप थोड़ा छोटा बड़ा करके एंड इसको थोड़ा सा आड़ टेढ़ा लेफ्ट राइट करके थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ पर ये ज़्यादा बेटर इसकी लुक आती है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर देखते हैं उतनी अच्छी लुक आ नहीं रही है, लुक तो अच्छी आ रही है लेकिन हमें इसका और अच्छा करना है। तो सेम वही अब क्या करेंगे, इसको जो हल्का सा जो इसमें चेंजेस करते हैं, इसके शेप में चेंजेस नहीं करेंगे बल्कि इतना देखते हैं क्या बैटर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसकी रोटेशन चेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके अब देखते हैं हल्का सा इसको रोटेट करेंगे हम। ओके नाउ नीचे से हल्का सा इसको सॉरी यहाँ से इसके साइड इसको जो है बिल्कुल बीच वाले कॉर्नर में पकड़िए, इसको जो है राइट एंड लेफ्ट ड्रैग कीजिए। अभी इसकी थोड़ी लुक अच्छे से नहीं आई है, हल्का सा आगे करते हैं, हल्का सा इस तरीके से देखते हैं, नहीं अभी भी नहीं आया मुझे लग रहा। फिर से एडिट में जाते हैं, दोबारा इसको जो है दोबारा एडजस्ट करते हैं। ओके यही कलर इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद इसको जो है आगे तक ड्रैग कर लीजिए, अब देखते हैं कि अच्छा है। जी हाँ थोड़ा सा इसकी लुक जो है पहले से बेटर लग रही है। ओके नाउ यहाँ से जो एंटर मार के इसको अलग कर दीजिए एंड इसको छोटा कर लीजिए, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे आपको बेटर लगे वहाँ पे इसको जो है एडजस्ट कर लीजिए, हल्का छोटा कर लीजिए। शिवाली को बड़ा करना है, अपार्टमेंट को छोटा कर देना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड इसके जो है कंट्रोल के कर देंगे ब्रेक अपार्ट, अब इसको छोटा कर लेते हैं, जगह के हिसाब से आप इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो बैनर बनते हैं वो जो इसी तरीके से बनते हैं, नाम को ज़्यादा जो है हाइलाइट किया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं लाइव टुगेदर एंड इसके फॉन्ट को थोड़ा जैसे अलग सा फॉन्ट रखेंगे हम, थोड़ा यूनिक सा मतलब अलग सा सिग्नेचर फॉन्ट हम कह सकते हैं, उस तरह का फॉन्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट टूल में फॉन्ट टूल में जो है फॉन्ट बॉक्स में यूज देख लीजिए आपके पास कौन सा सिग्नेचर फॉन्ट है, तो मैं भी चेक कर रहा हूँ, देखते हैं कौन सा फॉन्ट ज़्यादा बेटर लगता है। ओके 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 गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यहाँ सबसे मेन वीडियो पे जो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे जो मैं कोई फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा अच्छा, इसी फॉन्ट को मैं यूज़ करता हूँ इस वाले को, ठीक है। ये फॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, हल्का सा बड़ा करते हैं इसको जो है, हल्का सा देखते हैं काफ़ी बेटर लुक इसका भी। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो इसको जो है ऊपर करते हैं, यहाँ से पकड़ के ऊपर कर लेंगे। ओके तो इसकी लुक अच्छी आ गई है, हल्का सा हमने क्या किया जी फॉन्ट को स्टाइल को चेंज किया, इसकी जो लुक काफ़ी अच्छी आ गई। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।